महाराष्ट्र के बदलापुर में स्थित एक स्कूल में दो छात्राओं के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले ने इलाके में बवाल खड़ा कर दिया है। घटना के बाद जनाक्रोश इतना बढ़ गया है कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिसके चलते ट्रेन सेवाएं करीब 10 घंटे तक बाधित रही। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें से 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रशासन की सख्ती इस बात का संकेत है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बदलापुर में बवाल के बाद अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इस कदम का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जा रही अफवाहों को नियंत्रित करना था, ताकि स्थिति और न बिगड़े। थाने पुलिस ने इस मामले में 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का निर्णय लिया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए शिंदे सरकार ने 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कदम प्रशासन के इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की मंशा को दर्शाता है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि इस घटना की जांच एक महिला IPS अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच की जिम्मेदारी महानिरीक्षक स्तर की अधिकारी RTC को सौंपी गई है, ताकि निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ मामले की जांच हो सके। प्रदर्शनकारियों के रेलवे ट्रैक खाली करने के बाद अंततः 10 घंटे बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिससे स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। बदलापुर की यह घटना राज्य में सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गई है। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह न केवल दोषियों को सजा दिलाए, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाएं।